ट्रेडिशनल कंपनी अल्हम्दुलिल्लाह मियां आकम शाह साहब की सरपरस्ती में बड़े अच्छे और बड़े एग्रेसिवली मार्केट में हम काम कर रहे हैं। तमाम कन्वेंशनल बैंक जो काम कर रहे हैं उनमें तमाम इस्लामी विंडोज ओपन हो चुकी है। परसेप्शन के आप कह सकते हैं, अगर कोई इंसान समझता है कि मैं इंश्योरेंस नहीं करवाना चाहता तो वो तकाफुर की तरफ आ सकता है। इवन तो कई बड़ी बड़ी कंपनी जो यूनाइटेड के अलावा भी हैं वो कई रिस्क ऐसे नहीं इंश्योर करती, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह यूनाइटेड इंश्योरेंस वो हर लिहाज से हम रिस्क को इंश्योर करते हैं। बड़ा मिन्यूट सा वाला थोड़ा सा प्रीमियम होता है, उसके अगेंस्ट आप किसी भी विषय को सेफ्टी नहीं होती है। हमारे पास बैक एंड में री इंश्योरेंस भी अवेलेबल है, री इंश्योरेंस की सूरत में हमारी कैपेसिटी बहुत इंक्रीज कर देती है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेजबान ज़ुबैदा अनवर खान और आप देख रही है मेरा यूट्यूब चैनल ज़ैक एट पॉडकास्ट। जब हम बात करते हैं मुख्तलिफ शुबा है जिंदगी की, तो उसमें जिस तरह से हम प्रीवियस भी कर चुके हैं, एजुकेशनिस्ट हैं, हमारे डॉक्टर हजरात हैं, और भी बहुत सारे ऐसे शोबे हैं जिनका जिक्र करना बेहद जरूरी है जो हमारी जिंदगियों में, हमारे मुशियत में, हमारे पाकिस्तान में, पाकिस्तान की तरक्की में बड़ा ही मस्बत रोल भी प्ले कर रहे हैं, उनका जिक्र करना भी बेहद जरूरी है। मेरा इशारा आज के पॉडकास्ट में इंश्योरेंस की जानिब है। बहुत सारी कंपनियां पाकिस्तान में सर्व कर रही हैं, इंश्योरेंस के बारे में बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं, जैसा कि आप ही की क्वेरीज को लेके मैंने आज के मेहमान को मधु किया है कि इंश्योरेंस क्या है और ये क्यों जरूरी है और हम किन किन चीजों की इंश्योरेंस करवा सकते हैं, क्लेम का तरीकाकार क्या है और तकाफुल क्या होता है, ये सब चीजों के बारे में हम बात करेंगे। हमारे स्टूडियो में आज मौजूद हैं, हम UIC ग्रुप के अंदर मौजूद हैं जहाँ के इस वक्त हमारे साथ मेहमान हैं जनाब मुजम्मल बशीर साहब। आप हेड ऑफ अंडर राइटिंग हैं और UIC कई दहाइयों से जो अपनी खिदमात है वो इंश्योरेंस के हवाले से अदा कर रही है मार्केट में। अब चलते हैं आज के मेहमान की जानिब। अस्सलाम जी, वालेकुम सलाम जी मुजम्मल, आप कैसे हैं? अच्छा, जैसे कि आप सुन रहे होंगे कि मैंने बात किया कि आज जो हम बात करेंगे इंश्योरेंस के हवाले से, तो लोगों को थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है कि इंश्योरेंस करवानी चाहिए नहीं करवानी चाहिए, और कुछ तो इस बारे में भी पूछते हैं कि बेसिकली ये होती क्या है, तो हम होती क्या है शुरू करेंगे, इंश्योरेंस होती क्या है। बहुत शुक्रिया जी आपके बुलाने का। मैं सिर्फ इसमें एक चीज शुरू में ही ऐड कर दूं, इंश्योरेंस किसी भी कंट्री की बैकबोन होती है इकोनॉमिक्स की। इंश्योरेंस को आप यूरोप में चले हैं, अमेरिका में चले हैं, वहां तो इंश्योरेंस के बगैर कुछ सोच भी नहीं सकते, किसी भी तरीके से सोच नहीं सकते। एज फार एज पाकिस्तान इज कंसर्न्ड, यहाँ पर हमारे पास हर तरह की इंश्योरेंस अवेलेबल है, लेकिन पब्लिक थोड़ी परसेप्शन है वो कुछ अजीब सी है, कुछ समझते हैं ये इस्लामिक है, कुछ समझते हैं इस्लामिक नहीं है, इसलिए लोग थोड़ा सा इंश्योरेंस से अवॉइड करते हैं, और सिर्फ मजबूरी के आलम में जब बैंक से कोई लोन्स लेने होते हैं या कुछ इस तरह की पोजीशन होती है कि वो भाई से मजबूरी इंश्योरेंस करवाते हैं, अदरवाइज इंश्योरेंस की तरफ नहीं आना चाहते। ठीक है, लेकिन इंश्योरेंस में आपको सिर्फ इतना बता दूं कि इंश्योरेंस बड़ी ही जरूरी चीज है। इंश्योरेंस बेसिकली दो काइंड की होती है, एक जनरल है और एक लाइफ है। ठीक है, जनरल में आपकी तमाम तरह की इंश्योरेंसेस शामिल होती हैं, जिसमें आपकी मोटर, मरीन, फायर, इंजीनियरिंग, जितने आपके कंस्ट्रक्शन के काम हो रहे हैं उस तरह की तमाम होटल्स बन रहे हैं, जहां जहां भी आपकी कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है वो आपके इंजीनियरिंग के बिजनेस के अंदर फॉल कर रहा होता है। फायर की इंश्योरेंसेस होती है, आपकी मोटर की इंश्योरेंसेस है, आपकी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट हो रही है, आपकी मरीन की इंश्योरेंसेस है, इसलिए ये आपकी जनरल इंश्योरेंस की काइंड में आता है। ठीक है, इसी तरह आपकी लाइफ इंश्योरेंस भी होती है और जो कि बहुत जरूरी है। लाइफ इंश्योरेंस के बारे में सर विंस्टन चर्चिल का बड़ा फेमस कोट है, उन्होंने कहा अगर मेरे पास ये अथॉरिटी हो तो मैं हर एक फैमिली के लिए लाइफ इंश्योरेंस लाजमी कर दूं, क्योंकि जब किसी भी फैमिली का अर्निंग करने वाला किसी भी सैलरी की वजह या वजह से वो दुनिया में नहीं रहता या कुछ भी हो जाता है, ऐसी सूरत में फैमिली बड़ी फाइनेंशियल ट्रबल्स में चली जाती है, ऐसी सूरत में इंश्योरेंस कंपनी कम एंड उनको आती है और उनके भी फाइनेंशियल को बैक उनको अच्छे खासा उनको एक फाइनेंस प्रोवाइड करती है, जो कि उसके फादर की या जो भी उनके हस्बैंड है कुछ भी उनकी एब्सेंस में चीज अवेलेबल नहीं हो रही होती, इसलिए ये लाइफ की भी और दोनों आपके लिए बड़ी जरूरी है। जी हाँ, नेसेसरी है। इसी तरह हमारे पास अब इन द शेप ऑफ तकाफुल, पाकिस्तान में उस तरह से रिवाज नहीं है, आपने भी जिक्र किया कि अब तो पूरी दुनिया में खासतौर पर जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं वहां पे तो
कहते हैं कि गाड़ी रोड पे नहीं आ सकती जब तक उसकी इंश्योरेंस नहीं हो सकती। हमारे यहाँ अभी तक ये लोगों में कुछ मिसकंसेप्शन भी हैं जिनको इस्लामी नुक्ता नजर से भी देखा गया तो कहा गया कि शायद ये वह शरई है, लेकिन उसके ऊपर फिर बहुत सारे जो हमारे उलमा इकराम हैं उनके फतवे भी आए और उनके उसके ऊपर बयान भी आए। आप क्या समझते हैं काउंसलिंग की कमी है, क्या वजह है कि लोग इंश्योरेंस की जान उस तरह से मायल नहीं हो रहे अदर देन जो है मतलब कि याफ्ता मालिक। देखिए ये परसेप्शन के आप कह सकते हैं, अगर कोई इंसान समझता है कि मैं इंश्योरेंस नहीं करवाना चाहता तो वो तकाफुर की तरफ आ सकता है। ठीक है, तकाफुर इज अ नॉन कन्वेंशनल फॉर्म ऑफ द इंश्योरेंस और शरिया कंपैटिबल इंश्योरेंस है। ओके, इसमें तमाम का तमाम आपका जो मैकेनिज्म बैक एंड पे चल रहा है वो शरिया कंप्लायंस होता है। उसमें 100% शिया जो बुनियादी प्रिंसिपल्स हैं उनको फॉलो किया जा रहा है। ठीक है, इसलिए हमारे यहाँ अगर आप देखें इस टाइम बहुत ज्यादा फैसल बैंक है, अलबरका बैंक है और इवन के तमाम कन्वेंशनल बैंक जो काम कर रहे हैं उनमें तमाम इस्लामी विंडोज ओपन हो चुकी है। ठीक है, ठीक है, इसलिए मैं स्ट्रॉन्गली सजेस्ट करूंगा कि जो भी लोग किसी भी तरह की इंश्योरेंसेस में उनकी सिचुएशन है कि वो करवा सकते हैं, बड़ा मिन्यूट सा बड़ा थोड़ा सा प्रीमियम होता है उसके अगेंस्ट आप किसी भी शहर को सेफ्टी रहती है। अच्छी सेफ्टी रहती है, मैं आप ज्यादा नहीं कहता, एक आप गाड़ी की ले लें, एक फैमिली ने बड़ी मुश्किल से 25-30 लाख रुपए की गाड़ी ली है, वो एक बड़े नॉमिनल से प्रीमियम के अगेंस्ट, बहुत नॉमिनल सा प्रीमियम के अगेंस्ट वो उसको एक साथ ही सिक्योर कर लेती है, इंश्योरेंस करवा लेती है, कपड़ करवा लेती है। गॉड फॉरबिड अगर उसमें किसी भी तरह का मिसहैप होता है, एक्सीडेंट हो जाता है या किसी भी तरह का गाड़ी मोटर लॉस हो जाती है या गाड़ी थेफ्ट हो जाती है, बहुत सारे उदाहरण हासाल लगना, जी हाँ, चोरी हो जाना, हाँ, ऐसी सूरत में तो आप अगर गाड़ी बैंक से ली हुई है तो आप उनकी इंस्टॉलमेंट भी पे करनी है, तो ऐसी सूरत में इंश्योरेंस आपके पास आएगी, आपको बड़ा कम्फर्ट जोन प्रोवाइड करेगी और उस टर्म कंडीशन के मुताबिक आपको उसका अच्छा खासा क्लेम दिया जाएगा। जी, और माशाल्लाह आप एक बहुत बड़े ग्रुप के साथ वाबस्ता हैं, है यूनाइटेड इंश्योरेंस कंपनी और यूआईजी का पार्ट है। एग्जैक्टली, और तकाफुल विंडो को आप देख रही हैं, उसके ऑपरेशन को भी आप देख रही हैं। तकाफुल की अनाउंसमेंट के बाद क्या फीडबैक आया, जैसे आमतौर पर इंश्योरेंस की तरफ लोग मायल नहीं हो रहे थे, तकाफुल चूंकि एक इस्लामी जो है वो शरिया है उसके ऊपर क्या फीडबैक आया? जी, इसमें फीडबैक आप दो तरीके से कह सकते हैं, जो दो इस्लामी बैंक्स हैं, निजाम बैंक है, बैंक इस्लामी है, दुबई इस्लामी बैंक्स है, वो तो बड़े अरसे से चाह रहे थे कि हमारे पास इस्लामी इंश्योरेंस की विंडोज अवेलेबल हो, अदरवाइज दूसरी कंपनी से काम कर रही थी, बैंक की तरफ से बड़ा हेल्थी रिस्पॉन्स था और जो इंडिविजुअल्स हैं आपकी उनकी तरफ से रिस्पॉन्स अच्छा था, लेकिन उतना नहीं हो सका जितना आप कहना चाहिए, लेकिन हम ये उम्मीद कर रहे हैं आने वाले सालों में, और ये बड़ी रियलिस्टिक अप्रोच है कि कुछ आपकी जो तकाफुर है ये आपकी जो कन्वेंशन इंश्योरेंस है ना उसको कवर कर देगी। जी हाँ, ये उसके इसके फिगर्स जो है स्टैटिस्टिक उसके ऊपर चले जाएंगे और माशाल्लाह से बड़ी अच्छी रेटिंग में भी जा रही है यूआईसी। मैं बात करूँ तो इसमें थोड़ा सा यूआईसी का तारुफ भी करवाइएगा कि यूनाइटेड इंश्योरेंस कंपनी का अपना प्रोफाइल इसमें क्या है। यूनाइटेड इंश्योरेंस कंपनी अल्हम्दुलिल्लाह मियां आकरम शाही साहब की सरपरस्ती में बड़े अच्छे और बड़े एग्रेसिवली मार्केट में हम काम कर रहे हैं और कोई भी ऐसा पोर्टफोलियो ऐसा रिस्क नहीं है जो मार्केट में हम ना उसको रिस्क इंश्योर करते हो। इवन तो कई बड़ी बड़ी कंपनी जो यूनाइटेड के अलावा भी हैं वो कई रिस्क ऐसे नहीं इंश्योर करती, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह यूनाइटेड इंश्योरेंस वो हर लिहाज हम रिस्क इंश्योर करते हैं और इसमें हमारे आपकी तकाफुल के अंदर या नॉन तकाफुल के अंदर हेल्थ इंश्योरेंस है वो भी की जाती है, इंजीनियरिंग के तमाम बड़े बड़े आपके पावर प्रोजेक्ट्स हैं, रोड कंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट्स हैं, बिल्डिंग्स के प्रोजेक्ट्स हैं, 100% सिक्योर किए जाते हैं बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स की, फायर की, मतलब अल्हम्दुलिल्लाह। और हमारे पास बैक एंड में री इंश्योरेंस भी अवेलेबल है, री इंश्योरेंस की सूरत में हमारी कैपेसिटी बहुत इंक्रीज कर देती है और दुनिया के अच्छे खासे बड़े बड़े री इंश्योरेंस जो हमारे पास अवेलेबल है जिससे हमारी किसी भी रिस्क को अंडर राइट करने की कैपेसिटी काफी 100% इंक्रीज कर देती है। सो अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट में हमारा एग्रेसिवली काम कर रहे हैं और हमारी मार्केट पेनिट्रेशन किसी भी दूसरी कंपनी से बहुत ज्यादा है। हमारे 300 के करीब ब्रांच नेटवर्क पूरे पाकिस्तान में अवेलेबल है। जी अल्हम्दुलिल्लाह, पूरे पाकिस्तान में हर जगह। ठीक है जी, और थोड़ा मुझे ये बताइएगा मुजम्मल, आप जो के देख रही हैं विंडो तकाफुर को, अगर बात करूं मैं रिस्क असेसमेंट की तो वो किस तरह से की जाती है कि आपका जो क्लाइंट है जो करवा रहा है आपसे इंश्योरेंस करवा रहा है उसके सेटिस्फेक्शन भी बरकरार है? देखिए ये डिपेंड कर रहा होता है कि हम रिस्क क्या इंश्योर करने जा रहे हैं।
फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक गाड़ी को इंश्योर करना चाह रहे हैं तो उसके लिए गाड़ी को इंश्योर करने से पहले हमारा एक इंटरनल प्रोटोकॉल होते हैं जिसके तहत गाड़ी की पूरी प्री इंस्पेक्शन रिपोर्ट होती है, ठीक है। गाड़ी की उस वक्त की प्रेजेंट कंडीशन देखी जाती है, उसमें कोई डैमेजेस वगैरह तो नहीं है या उसकी कोई ऐसी चीज तो नहीं है जो कल को इंश्योरेंस के क्लेम में कोई प्रॉब्लमेटिक हो सके। और अगर आपका फायर की बात करें, आप फायर इंश्योरेंस में बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज की फायर इंश्योरेंस है, जैसे आपका बेल है, हायर है, यहाँ पे अच्छे खासे बड़े बड़े अमाउंट से क्लेम आए और यूनाइटेड इंश्योरेंस ने क्लेम पे किए हैं, ऐसी सूरत में उनकी प्री इंस्पेक्शन होती है, रिस्क असेसमेंट होती है प्रॉपर। हमारे कंपनी के इंटरनल रिस्क डिपार्टमेंट है, वहां जाके उनको उनकी प्रीमिसेस को प्रॉपरली रिस्क पॉइंट ऑफ व्यू से उसको देखते हैं और अपनी तरफ से रिकमेंडेशन भी देते हैं कि आप इन इन चीजों को इम्प्रूव करें। उससे एक तो फायदा ये होता है कि क्लेम आना ना आना ये बात की बात है, क्लाइंट की अपनी बिल्डिंग बड़े अच्छे तरीके से सिक्योर हो जाती है और उसके खुदा ना हादसा अगर फायर के चांसेस होते हैं, अगर फायर होती है तो फायर अलार्म पे आपके फायर स्प्रिंकलर्स हैं, आपके चोरी का या दूसरा का मसला है, इंट्रूडर अलार्म है, इस तरह पूरे का पूरा प्रोटोकॉल हमारी तरफ से क्लाइंट को दिया जाता है। काफी क्लाइंट तो अवेयर है, जो क्लाइंट अवेयर नहीं है ऐसी सूरत में हमारी रिकमेंडेशन पे अमल करके वो खुद को भी सिक्योर करते हैं और कॉन्सिक्वेंटली कंपनी का तो फायदा होता ही होता है, फिर वो लॉस के चांसेस मिनिमाइज से मिनिमाइज करते हैं। हाँ, मैं वही बात कर रही हूँ, क्योंकि यूआईसी की पूरी कोशिश होती है कि जितना ज्यादा स्क्योर किया जा सके। जी हाँ, हमारी पूरी कोशिश होती है कि क्लाइंट को 100% एंटरटेन किया जाए और उसको बताया जाए कि सम टाइम हमारे यहाँ एक बड़ा मिस कॉन्सेप्ट है कि यहाँ पे लोग ये समझ होते हैं कि मैंने अपना एक व्हीकल इंश्योर करवा ली या मैंने अपना कोई भी रिस्क इंश्योर करवा लिया सो मैं 100% कवर हूँ, ऐसा नहीं होता। उसको क्लाइंट को पूरा गाइड किया जाता है कि भाई आप इन चीजों के तहत इन प्रोटोकॉल्स को आप कंप्लीट कीजिए तो फिर आप 100% नहीं, जो आपकी पॉलिसी टर्म्स है ना उसके मुताबिक आपका रिस्क क्लेम के होता था वो क्लेम पे किया जाएगा। जी हाँ, और मैं एक चीज यहाँ पे ऐड करता चलूँ, जो बड़े ग्रुप्स होते हैं वो तो फायर की सूरत में किसी ना किसी तरीके से वो अपने आप को मैनेज कर लेते हैं, लेकिन सम टाइम छोटी फैक्ट्रीज हैं जो घरों में कुछ इस तरह लगी हैं, जो दरमियाने लेवल की फैक्ट्रीज हैं, अगर वहां पे फायर होती है तो आप बिलीव करें कि वो लोग इस पोजीशन में नहीं होते कि दोबारा उठ भी सके। और मैंने कई दफा हमारे क्लेम डिपार्टमेंट ने, हमारे ग्रुप चेयरमैन है मियां अकरम शाही साहब, उन्होंने बड़ा काइंड हार्टेडली क्लेम्स भी पे किए हैं जो स्टैंडर्ड पॉलिसी के मुताबिक नहीं भी बनते थे, लेकिन हमने क्लेम्स पे किए, गुडविल है जी, एज ए गुडविल है गुड गेस्चर के तौर पर, और लोग बड़े मुकीम हो गए। इसलिए मैं सिर्फ ये जरूर कहूंगा किसी भी तरह का आपके पास अवेलेबल हो, आपकी आज के दौर में आपके लैपटॉप के हैं, मोबाइल है, कि कोई भी इंश्योरेंस एजेंसी है ना आपके लिए एट द एंड आपके लिए बेनिफिट डेफिनेटली होता है। अच्छा मुजम्मल साहब, हमने पिछले दिनों कोई जगह था कि इस तरह के वाकया थोड़े लाहौर में, जैसे बड़े बड़े प्लाजो में 8-10 मंजिला प्लाजो में आग लगी है, बहुत एक ब्रांड है, एक नाम है उनका और बहुत बहुत बड़े ऊंचे लेवल के ऊपर उनका नुकसान भी होता है। दूसरी तरफ देखें तो माजी में बहुत सारे बम ब्लास्ट भी होते रहे जिसमें इंसानी जान के साथ साथ माली नुकसान भी बहुत बड़े पैमाने पे हुए हैं। अगर इस तरह की क्रिटिकल सिचुएशन एक कंटिन्यूटी चलती रहे तो क्या जो इंश्योरेंस कंपनी है उसका खसारे में जाने का भी इम्कान पैदा हो जाता है? देखिए नहीं, ऐसा नहीं होता, क्योंकि जैसा मैंने आपको पहले बोला कि हमारे पास जितने भी रिस्क इंश्योर किए जा रहे होते हैं हमारे पास उनकी प्रॉपर्ली रीइंश्योरेंस अवेलेबल होती है। जी हाँ, इसलिए कंपनीज कभी भी क्लेम पे करने से घबराती नहीं है, क्योंकि उनके पास पूरे का पूरा एक बैक एंड मैकेनिज्म काम कर रहा है। और आप आसान जुबान में ये समझ लें कि हमने अगर किसी एक इंश्योरेंस कंपनी से 1 करोड़ रुपया प्रीमियम की बदले में लिया है तो वो रीइंश्योरेंस होते 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 अमेरिका तक पहुंच जाता है, इंग्लैंड में, स्वीडन में, डिफरेंट कंट्रीज में, सिंगापुर में, जहां जहां रीइंश्योरेंस मार्केट है ना, एक रिस्क स्कैटर्ड होता चला जाता है। इसलिए कंपनी की कैपेसिटी बहुत बड़ी है और इसलिए हम एक बड़ी हैवी कॉस्ट इंश्योरेंस में पे कर रहे होते हैं। इसलिए कंपनी को क्लेम पे करने से कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होता, ऐसा रहे क्लेम इस वो वैलिड क्लेम होना चाहिए, उसमें कोई आपकी फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी जिस तरह की इंटेंशन नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज क्लेम आपको 100% पे किया जाता है और यूनाइटेड क्लेम देती है। बड़ी 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 बात है, बड़ी अहम बात है ये। अच्छा, जो इस वक्त हमारे नाज़रीन आपको देख रहे हैं, थोड़ा सा यूएसी के हवाले से बताइएगा कि जो क्लेम का तरीका क्या है, ताकि जो मिसकंसेप्शन है कि कुछ ऐसा हो भी जाए तो जो कंपनी है इंश्योरेंस की वो बड़ा हीरो हजर से काम देती है कि कल देख लेंगे, परसों देख लेंगे,
क्या जो यूआईसी है ये इन टाइम क्लेम पे कर देती है, उसका तरीका क्या है? देखिए मैं इसमें आपको एक चीज बता दूं कि फिर वही बात है, मार्केट में मिसकंसेप्शन होती है, यूनाइटेड 100% क्लेम पे करती है, ये इट इज इम्पॉसिबल कि हम क्लेम पे ना करें, क्योंकि अगर हम क्लेम पे नहीं करेंगे तो मार्केट एग्जिस्ट नहीं कर सकते, ठीक है? बल लेकिन क्लेम की वैलिडिटी को चेक करना बहुत जरूरी होता है। जैसे कि मैंने आपके डिस्कशन में पहले भी बताया कि अब फॉर एग्जांपल एक आदमी की गाड़ी है, उसने बैड इंटेंशन की वजह से अपनी गाड़ी को खुद फायर में कर दिया या किसी दूसरे के थ्रू उसको गाड़ी को थेफ्ट करवा दिया, कुछ भी करवा दिया, तो कंपनी इन्वेस्टिगेट तो करेगी, ठीक है? वो कंपनी ऑफकोर्स कंपनी का ये राइट है इन्वेस्टिगेट, लेकिन जहां तक आपके वैलिड क्लेम्स का कंसर्न है तो 100% क्लेम्स किए जाते हैं, मिलियन एंड ट्रिलियन के क्लेम्स पे किए जाते हैं, इसमें ऐसा कोई इशू नहीं है। 8-10-12 साल पहले में और आज भी अगर आप हमारी बैलेंस शीट की मैं फिगर आपसे लेटर और शेयर करूंगा, हमने बड़ी बड़ी अमाउंट से क्लेम पे किए हैं। यहाँ पर 2016-17 में 3-4 जहाज से मरीन की इंश्योरेंसेज हमारे पास अवेलेबल थी, यूनाइटेड ने उस टाइम अराउंड 700 मिलियन रुपीस से क्लेम्स पे किए, इतनी बड़ी अमाउंट से क्लेम पे किए हैं। और इसलिए गॉड फॉरबिड किसी भी तरह का मिस है और तो कंपनी हमेशा क्लेम पे करती है, बस उसकी और अब क्लाइंट हरील होता है कि वो भी ऐसा हो ऐसा हो, लेकिन ऐसा नहीं होता, थोड़ा सा टाइम लेकर होता है, लेकिन टाइम लेकर मतलब इनकार नहीं होता, कंपनी सारे पैरामीटर्स मीट करना जरूरी है, लेकिन वो बहुत लंबे लेंथी प्रोसीजर्स नहीं होते, तो जो आपके थोड़े से छोटे क्लेम होते हैं वो थोड़ी देर में कर दिए जाते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल आपकी गाड़ी का क्लेम है, थेफ्ट का क्लेम है, वो तो फिर आपकी FIR की रिपोर्ट्स के ऊपर आना होता है, सारी की सारी आपकी फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट है, आपकी फाइनल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट है, वो सारी चीजें टाइम टेकन होती है। अच्छा मुझे बताएगा किसी क्लेम ने आप लोगों को टफ टाइम दिया हो, कि कोई ऐसी हादसा ऐसा या वाकया ऐसा हुआ हो जिसको आप लोगों को समझने में बड़ी ही मुश्किल लगी हो कि ये हुआ कैसे है, आया इसमें कोई इंटेंशनली किया गया है या बाय चांस हुआ है, कुछ ऐसा वाकया सुनाएंगे? देखिये हमारे पास एसआरआर क्लेम डिपार्टमेंट इज कंसर्न, तो एवरी थर्ड और फोर्थ क्लेम के बारे में इंडियन हमारी ऐसी फीलिंग्स डेवलप हो रही होती है कि ऐसा हैपन कैसे हो गया। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जो शिप्स जो उनसे जहाज काफी उनमें बिलियंस एंड बिलियंस का रिस्क इंश्योर्ड डिफरेंट कंपनीज, तो उसका एकदम डूब जाना एक बहुत बड़ा उस टाइम पूरी इंडस्ट्री के अंदर एक गुजार की कैफियत थी कि क्या हो गया, तो उस सूरत में भी कंपनी को फौरी तौर पे एक्टिव होना पड़ता है, हम उसको देखते हैं, इंटरनेशनल सर्वेयर्स अपॉइंट किए गए सारे के सारे, उनके थ्रू इन्वेस्टिगेशन की गई, इंश्योर्स को देखा गया, वैलिड इंश्योर्स को देखा गया, कौन कौन से इंश्योर इस चीज पर हमारे पास है, कौन कौन सी पॉलिसी इस टाइम हमारे पास रिस्क एक्टिव में है, फिर उनको तमाम को प्रोटोकॉल को रहते हुए हमने तमाम क्लेम्स पे किए। थैंक यू सो मच मुजम्मल, आपका बहुत शुक्रिया। ये आपका कैमरा है, कोई अपना पॉजिटिव मैसेज आप पाकिस्तान के नाम देना चाहिए तो प्लीज। मैं आपको एक रिक्वेस्ट करूंगा, जैसा कि मैंने सर विंस्टन चर्चिल का एक कोट आपसे शेयर किया, इसीलिए मैं आपसे कहूंगा कि आपकी लाइफ इंश्योरेंस हो, अश्योरेंस हो या आपकी जनरल हो, आपके पास जिस चीज जो बंदा जिस कैपेसिटी में भी है उसको जरूर जरूर चाहिए कि अपने डिस्क इंश्योर कराए प्लीज, क्योंकि गॉड फॉरबिड मिस है होते हुए किसी भी सूरत में आपको पता नहीं लगता। मैं हमारे साथ एक इस तरह का एक इवेंट हुआ, हमारे बड़े क्लोज रिलेटिव थे, उनकी डेथ हो गई, तो उन्होंने पाकिस्तान पोस्टल लाइफ से दो पॉलिसीज थी, तो कट इन शॉर्ट उनको 2.5 मिलियन की पेमेंट्स रिसीव हुई उनकी फैमिली को, जो कि उस वक्त एक बहुत बड़ी अमाउंट थी। इसलिए आप अपने जब लॉस हो जाता है फिर इंसान सोचता है कि मैं ये करवा लेता, और जबकि स्पेशली आपके जो कमर्शियल एंटिटीज हैं वो किसी भी तरह की हैं, उनको लाजमी अपने प्रीमिसेस की, अपनी मरीन में, इंजीनियरिंग में, किसी भी तरह का आप कमर्शियल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं तो काइंडली इंश्योरेंस की तरफ लाजमी आइए। अगर आप कन्वेंशनल सेटिस्फाइड नहीं है तो इस्लामिक मोड ऑफ कंप्लाइंस आपके पास अवेलेबल है तकाफुर की सूरत में, यहाँ पूरा शरिया बोर्ड अवेलेबल होते हैं, जैसे आपका मिजान बैंक है, अल बरका बैंक है, बैंक इस्लामी है, जुबई इस्लामी बैंक है, जिस तरह ये इस्लामी ग्रुप के तहत काम कर रहे हैं इसी तरीके से हमारे इस्लामिक विंडो यूनाइटेड इंश्योरेंस की विंडो तकाफुल ऑपरेशन भी इसी पैरामीटर्स पे काम कर रहे हैं। आप हमारे से इंश्योर कराएं या आप कहीं किसी और से कराएं, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने रिस्क को लाजमी इंश्योर करवाएं। अगर ये मेरा मैसेज कोई फैमिली मेंबर्स देख रहे हैं, कोई फैमिली हेड देख रहे हैं, तो सर आप प्लीज काइंडली अपनी किसी भी पाकिस्तान की इंश्योरेंस कंपनी से अपनी फैमिली इंश्योरेंस लाजमी करवाएं। बहुत शुक्रिया।
बहुत खूबसूरत मैसेज माशाल्लाह से जी। नाज़रीन अब आपसे रिक्वेस्ट की जाती है फीडबैक के लिए, और अगर कोई सवाल रह गया है, कोई बात रह गई है तो कमेंट सेक्शन में लाजमी लिखिएगा, इंशाल्लाह हम अपने किसी नए प्रोग्राम के अंदर लाजमी इसको शामिल करेंगे। और अपना फीडबैक देना ना भूलिएगा। इसके साथ ही अपने मेजबान ज़ुबैदा अनवर खान को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।